Hello everyone, welcome to my channel. And today I will talk about the some interview questions. So now start. Then first question is, as you know, my first question: where is the use high vocability and what is the range of angularity number? And third is stainless steel. ये जो सारा है ये अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो ये हमने थंबनेल पे लगाया हुआ था. सो स्टार्ट करते हैं. सो अब ये देखते हैं वर्केबिलिटी और स्लम एंड कंपैक्शन फैक्टर और इसका यूजेस, ये सब देखते हैं. पहले देखते हैं लो. ये देखते हैं जो वेरी लो रहता है तो उस पर जो स्लम का रेंज आता है 0 से लेकर 25, तो इसका रेंज आता है. और वेरी लो में एक कंपैक्शन फैक्टर का रेंज होता है 0.78 से लेकर 0.8 तक होता है. और इसका यूज कहाँ होता है? रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग जनरली यूज करते हैं. फिर इसके देखते हैं वेरी लो से थोड़ा सा और इसके बाद आता है लो. जो सेकंड है वो रोड लो पे आता है. लो पे जो स्लम का वैल्यू है ये 25 से लेकर 75 के बीच में वैरी करता है. और इसी के नेक्स्ट देखते हैं कंपैक्शन फैक्टर जो लो में है ये 0.85 से लेकर 0.87 के बीच में होता है. और ये जो यूज होता है लाइट रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट देखते हैं जो मीडियम में होता है. मीडियम में स्लम का रेंज जो होता है वो 50 से 100 होता है. और इसका कंपैक्शन फैक्टर जो होता है मीडियम में 0.92 से 0.935 के बीच में होता है. और इसको नॉर्मल रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं. और जो हाई होता है, जो हम लोग हाई वर्केबिलिटी का होता है, तो इसमें स्लम का जो वैल्यू होता है 100 से 150 के बीच में स्लम का रेंज होता है. और इसका कंपैक्शन फैक्टर जो होता है ये 0.95 से लेकर 0.96 के बीच में होता है. और ये जनरली यूज जो होता है हैवी रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर में यूज होता है. अब नेक्स्ट देखते हैं वेरी हाई के लिए. वेरी हाई के लिए जो स्लम का वैल्यू है एक ग्रेटर देन 150 होता है. एंड इसका कंपैक्शन फैक्टर 0.98 के बीच में होता है. एटीएम स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है. तो हम लोग जनरली जो होता है यहाँ तक जो हाई होता है वही मैक्सिमम दिया जाता है. ये बहुत रेयर केस में ही बहुत कम यूज होता है जो वेरी हाई वाला होता है. सो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टेस्ट इज यूज टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस? तो ये पूछा जो इसका आंसर होगा स्पायर टेस्ट होगा. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा बन जाता है. और जनरली इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर जगह. तो आप अगर एक सिविल इंजीनियर हो तो एक कंपल्सरी है आप लोगों को ये सब चीज़ें जानना. सो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है. व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगुलरिटी नंबर? अभी देखिए एंगुलरिटी नंबर, सबसे पहले तो एंगुलरिटी नंबर का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 10 के बीच में होता है. अब एंगुलरिटी नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं ये देखते हैं कि एंगुलरिटी नंबर जो होता है, जैसे ये 33% अगर वाइड है, 33% अगर वाइड है तो यहाँ पे इसका एंगुलरिटी नंबर 0 लिया जाता है. अगर 33 से 34 अगर वाइड है तो इसका एंगुलरिटी नंबर 1 हो जाता है. तो ऐसे हम लोग जैसे 35% हो गया, 35% आप वाइड शो हो गया तो इसका जो एंगुलरिटी नंबर हो गया अगर 35 होगा तो इसका एंगुलरिटी नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो सो ऐसे बढ़ता जाता है. अब ये देखते हैं शेप के अकॉर्डिंग. शेप के अकॉर्डिंग अगर देखिए, अगर शेप ऐसा रहेगा तो जो एरिया होगा ये देखिए लेस कॉन्टेक्ट सरफेस स्ट्रक्चर जो कंक्रीट में होगा, जैसे हम लोग स्लम टेस्ट करेंगे या जो इसको हम लोग उसमें जैसे एग्रीगेट को हम लोग फील करेंगे तो इसका जो कांटेक्ट होगा वो बहुत कम होगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. तो इसका वर्केबिलिटी जो होता है ज़्यादा होता है, वर्केबिलिटी जाता है. दूसरे नंबर पे है ये जो है दूसरे नंबर का जो शेप है
ये जो सेप है इसका वर्क उल्टी होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और थर्ड नंबर का जो ये सेप आता है, थर्ड नंबर का जो सेप वही एग्रीगेट का, इसमें जो है ना ही तो वर्क उल्टी अच्छी होती है और ना ही स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं कि इसको और इसको, इन दोनों को बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको हम लोग बहुत रेयर कंडीशन में यूज करते हैं एज ए रोड कंस्ट्रक्शन में। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए स्टेनलेस स्टील, ये जो है इसमें कंटेन होता है निकिल का 80% होता है, और जो इसमें क्रोमियम का जो कंटेन होता है और ये 8% होता है। तो अगर कोई पूछे कि स्टेनलेस स्टील में मतलब क्या होता है, तो आप लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं कि निकिल का जो कंटेंट है 18% और क्रोमियम का 8% होता है। अच्छा, अगर कंटेंट पूछे तो भी आप लोग बता सकते हैं ऐसे, उसमें कौन कौन से स्टेनलेस स्टील में कंटेंट में कौन कौन से होते हैं, तो निकिल और क्रोमियम दो याद रखिएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पॉइजन रेशियो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर। तो ये देखिए ये बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है न्यू अपॉन 1 - न्यू इक्वल टू के, ये जो दोनों में रिलेशन होता है, एक को पेशेंट ऑफ अर्थ प्रेशर पॉइजन रेशियो में रिलेशन होता है न्यू अपॉन 1 - न्यू। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक सर्वे का क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवेन्यू चैन। रिवेन्यू चैन का जो लेंथ होता है वो 33 फीट होता है और इसमें 16 लिंक होते हैं। अब इसे अगर इंजीनियरिंग चैन पूछ ले तो इंजीनियरिंग चैन में कितना, अगर इंजीनियरिंग चैन पूछ ले तो इंजीनियरिंग चैन में 100 होता है, 100 फीट होता है और प्लस उसमें 100 लिंक होते हैं टोटल। सो ऐसे हम लोग का ये अगर, सो ये हम लोग का यहाँ से तक कंप्लीट हो गया। सो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसके लिए आज के लिए